कि इन सारे स्टूडेंट्स लिए हूँ पॉसिबल है सितंबर इनटेक और जनवरी 2022। बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही थी कि मैं कनाडा विदाउट आइलेट्स प्रमोट कर रहे हैं और कनाडा विदाउट आइलेट्स 300 वीज़ा लग चुका है मेरा, विच इज़ ऑल रबिश। हूँ किन्ने दिन तक स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जिहड़े अप्लाई करना चाहते हैं, भावें गैप वाले ने भावें फ्रैशर्स ने? 2-5 बैंड है तो बहुत वड्डा चांस ले रहे हो, जे इस तो थल्ले स्कोर है तुसीं कनाडा नहीं जा सकते। बहुत स्वागत है जी सारयां दा, मैं हाँ सुरेंद्र ढल्ला। बहुत ही खास प्रोग्राम साडा तुसीं देख रहे हो। मई लगभग खत्म है और सितंबर इनटेक नूं बहुत घट वक्त रह गया। की हुण भी सितंबर इनटेक च गुंजाइश है? और सितंबर इनटेक लई इस वक्त कहंदे ने कि गोल्डन ऑपरचुनिटी है, 95% तक सितंबर इनटेक च सक्सैस मिल सकता है। अगर 90% तक सितंबर इनटेक दे विच सक्सैस मिल सकता है तो फिर किहड़े-किहड़े स्टूडेंट्स बेनीफिट लै सकते हैं? की रिफ्यूजल वाले स्टूडेंट्स बेनीफिट लै सकते हैं? इस बार सितंबर इनटेक लई किन्ना गैप एक्सेप्टेबल हो सकता है? और इहदे नाल नाल जनवरी 2022 जनवरी 2022 दे लई हुण किहड़े स्टूडेंट टारगेट रखण, क्योंकि हजे भी साढ़े CBSE दे रिजल्ट्स दा डेट शीट नहीं आई है कि CBSE दे रिजल्ट्स कदों, एग्जाम कदों होने ने। सो इस बार जिहड़े साढ़े 21 वाले स्टूडेंट्स ने उन्हां दा भी हजे नहीं पता कि CBSE दे रिजल्ट कदों आउणगे, एग्जाम कदों होणगे। सो अजिही सूरत दे विच जनवरी 2022 ते सितंबर 2021 दे लई किहड़े स्टूडेंट्स दे लई इह गोल्डन ऑपरचुनिटी बन सकदी है? कि घट आइलट्स के नाल एडमिशन मिल सकती है? कि घट आइलट्स वालों का सक्सैस रेट बढ़ सकता है? क्योंकि अगर सक्सैस रेट 95 होना है तो किहड़े-किहड़े उहदे च पैरामीटर्स रहणगे, भी गल करांगे। जसमीत जी लैंडमार्क इमीग्रेशन तो साडे नाल मौजूद ने। जसमीत जी बहुत बहुत स्वागत है जी। सत श्री अकाल जसमीत जी। गल्लां हो रही ने कि 95% तक सक्सैस रेट भी आ सकता है। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ने जिहड़े इस बार वह नवें घट ने, या तो रिफ्यूज स्टूडेंट्स ने, या पहली बार अप्लाई करन वाले ने, या मल्टीपल गैप वाले ने, कि इन सारे स्टूडेंट्स लिए हूँ पॉसिबल है सितंबर इनटेक और जनवरी 2022? और नाल ही मैं ये पूछना चाहूँगा कि घट आर्ट्स स्कूल वाले नूं भी इस बार सक्सैस रेट वध मिल सकती है PT और आर्ट्स दोनों च? सी सब तो पहले आप डिस्कस करांगे घट आइलेट्स वाले स्कोर बारे, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं ऐड देखना विदाउट आइलेट्स कैनेडा की, ऐड देखी जाती है कैनेडा जाओ 5 बैंड पर, ऐड असी देखते हैं कैनेडा जाओ 5.5 बैंड पर। सो स्टूडेंट पहली चीज़ तो, और ये भी देखने को मिलता जिथे इदा दैड लगी होंगी उत्थे सब तो ज़्यादा रश हों जी। सो जिहड़े इदा दैड प्रमोट करते हैं उत्थे बच्चे बहुत ज़्यादा गुमराह होंगे, बहुत ज़्यादा मिसगाइडेंस होंगी है, बहुत ज़्यादा गुमराह होंगे। सो पहली गल तो कैनेडा विदाउट आइलेट्स पॉसीबल नहीं है, कैनेडा 5 बैंड पर पॉसीबल नहीं है, कैनेडा ओवरऑल 5.5 बैंड पर पॉसीबल नहीं है। सो जे ते बैंड है और तुम इंप्रूव नहीं कर पा रहे हो तो कैनेडा भुल जाओ। सो सब तो पहला तो मैं आइलेट्स वाले टॉपिक पर गल करा, और मैं कल भी कुछ इदा दैड्स देखी जिथे बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही थी कि मैं कैनेडा विदाउट आइलेट्स प्रमोट कर रहे हैं और कैनेडा विदाउट आइलेट्स 300 वीज़ा लग चुका मेरा, विच इज़ ऑल रबिश। सूँ दसा कि कैनेडा विदाउट आइलेट्स वाले का वीज़ा नहीं लगता। 7-8 बैंड होने के बावजूद भी कई बार स्टूडेंट नूं रिफ्यूजल मिल जाती है। सो विदाउट आइलेट्स वाले का वीज़ा किदां लग सकता है? 2 कैटेगरीज हैं, SDS नॉन SDS। पहला ओवरऑल SPP कैटेगरी सी। सो SPP कैटेगरी ओवरऑल 6 बैंड यानी 2 मोड्यूल के नाल 5.5 बैंड एक्सैप्टेबल होंगे सी, पर देखने को मिलता सी 3 चो 5.5, 1 चो 5 वाले नॉन SPP कैटेगरी जनरल कैटेगरी वीज़ा मिल जाता सी। 2018 च इन्नी ज़्यादा एप्लीकेशन गई कैनेडा ने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज करते। 2019 आंदे 6 ईच SDS कैटेगरी, नॉन SDS कैटेगरी ओवरऑल 6 बैंड, 2 मोड्यूल चो 5.5 बैंड वाले 2019 च बहुत वीज़ा मिले, पर 2020-21 देखने मिलया कि 2 मोड्यूल च जिन्हों के 5.5 बैंड है उन्होंने वीज़ा बहुत घट गए। सो 50-50% भी तो भी घटे जाता दिन ब दिन, क्योंकि 6 ईच वाली या ओवरऑल 6, 1 च 5.5 बैंड वाली इन्निया ज़्यादा फाइल है। सो वाई दे विल गिव यू वीज़ा? सो स्टूडेंट पिछे देखने को यह मिलता है
कि जे उन्हां कोल 6 ईच वालियां बहुत सारियां फाइलां लॉज हो रही हैं या एक च 5.5 बैंड वालियां बहुत सारियां फाइलां लॉज हो रही हैं देन वाई दे विल कंसिडर वीकर प्रोफाइल फॉर कैनेडा दे नीड गुड पीपल टू कम टू कैनेडा दे नीड गुड स्टूडेंट्स हु आर स्पीकिंग इंग्लिश इन अ वेरी गुड वे सो वाई दे विल इनवाइट यू दिस इज द लॉजिक बिहाइंड द सक्सैस रेट सो जे तुहाडे 6 ईच है या जे तुहाडे ओवरऑल 6 बैंड है एक मॉड्यूल चो 5.5 बैंड है तुसीं कैनेडा लई अप्लाई करो पर जे तुहाडे इस तो घट स्कोर है फिर तुसीं सिर्फ चांस लै रहे हो जे 2 चो 5.5 बैंड है तो बहुत वड्डा चांस लै रहे हो जे इस तो थल्ले स्कोर है तुसीं कैनेडा नहीं जा सकते तुसीं होर कोई कंट्री चूज करो फिर असीं गल कर लैंदे आ पीटी वाले स्टूडेंट पीटी वाले 54 मैं उन्हां नूं कहांगा कि इज एन आइडियल स्कोर टू अप्लाई फॉर कैनेडियन स्टूडेंट वीजा बट इफ यू हैवंट गिवन योर पीटी एग्जाम एंड यू आर अबाउट टू गिव एनी इंग्लिश एग्जाम सो आइलेट्स विल बी प्रेफर्ड ओवर पीटीई फिर असीं गल करदे आ कि क्यूबेक वाले स्टूडेंट लई फ्यूचर किदां दा हो सकदा सो क्यूबेक वाले स्टूडेंट्स जिहड़े बहुत वड्डे नंबर्स च पे वेट कर रहे ने क्यूबेक वाले स्टूडेंट जिहड़े बहुत वड्डे नंबर्स च वेट कर रहे ने आई डोंट नो कि उन्हां दे रिजल्ट्स कदों आणगे बिकॉज़ देयर हैज बीन नो क्लैरिटी फ्रॉम मिनिस्ट्री देयर हैज बीन नो क्लैरिटी फ्रॉम दोज 10 कॉलेजेस देयर हैज बीन नो क्लैरिटी फ्रॉम द हाई कमीशन इन इंडिया फॉर दोज 10 कॉलेजेस So I don't want to disclose or dishearten anybody, but the investigation which is going on Quebec colleges is on very, very serious allegations and it's really complicated. So students, please apply for refund, withdraw your case or find a solution to your problem because there has been an indefinite waiting period for those students who have applied for Quebec. So Quebec has been the most जिन्होंने कहते हैं कि प्रेफर्ड डेस्टिनेशन इन पास्ट 2-3 ईयरस बट राइट नाउ तुम जो अपलाई करना चाहते हो तो पबलिक कॉलेज अपलाई करो सरकारी कॉलेज अपलाई करो दैट इज़ द बेस्ट वे टू गो टू कैनेडा सो क्यूबेक वाले बच्चे जो विड्रॉ करेंगे उन्होंने बहुत वीडी ओपरचुनिटी बन सकता है सपटेंबर और जनवरी इनटेक हूँ असं गल करते हैं क्यूबेक गैप वाले स्टूडेंट्स गैप असी गैप किनू कहने 2 साल दे गैप नू असी गैप नहीं कहिंदे 2019 पास आउट कुछ नहीं कीता उस तो बाद दैट इज़ नॉट अ गैप क्योंकि 2020 वॉज अफेक्टेड बाय कोविड यू वर प्रिपेयरिंग फॉर आईलेट्स सो 2 साल तक का गैप इज नॉट अ गैप ग्रैजुएशन तो बाद 5 साल तक का गैप इफ यू हैव सम एक्सपीरियंस और यू वर गाइड यू वर सपोर्टिंग योर फैमिली और यू वर रनिंग अ फैमिली बिजनेस दैट इज ऑल्सो नॉट अ गैप हूँ जो उस तो ज़्यादा तुहाडी प्रोफाइल विच गैप हैगा सो इट शुड बी जस्टिफाइड गैप वाला स्टूडेंट अपलाई कर सकता है इज़ एन ईजी वर्ड बट वो गैप जस्टिफाइड किदा होना चाहिए नॉट विद फेक एक्सपीरियंस लैटर्स नॉट विद फेक डिप्लोमा सो आई विल एडवाइज नॉट टू यूज एनी फेक डॉक्यूमेंट्स इन योर फाइल टू कवर अप गैप उस तो चंगा तो तुम लिख दो कि कुछ नहीं किया तो वीज़ा सक्सैस रेट वधिया रहेगा रादर दैन पुटिंग फेक डॉक्यूमेंट्स इन योर फाइल बिकॉज यू कैन गैट अ बैन फॉर 5 ईयरस और 10 ईयरस एंड यू विल नॉट बी एबल टू ट्रैवल टू कैनेडा फॉर फुल लाइफ बिकॉज एक बार एप्लीकेशन अपने कोई फेक डॉक्यूमेंट पुटअप कर देंगे हो दैट मीनस कि तुम अपना ट्रस्ट जोड़ा हैगा उन्हें सरकार तो तोड़ दिता है एंड इट इज़ रियली रियली टफ फॉर यू टू गैट अनदर वीज़ा ईवन आफ्टर 5 or 10 ईयरस हूँ असी गल कर लें बहुत सारे इदा के लोग हैं जेडे जॉब्स कर रहे हैं 10 साल का एक्सपीरियंस है 15 साल का एक्सपीरियंस है पर दे आर नॉट हैप्पी सो जिमें कोविड की सिचुएशन इंडिया च रही है आई हैव सीन कि मैं 50-50 साल की उम्र के लोग कॉन्टैक्ट कर रहे हैं फॉर स्टूडेंट वीज़ा सानू डेली ईमेल्स आ रही हैं कि वी वॉन्ट टू गो अब्रॉड बिकॉज ऑफ द अनसर्टनटी इन मैनी थिंग्स इन इंडिया पॉलिटिक्स नू लैके हेल्थ नू लैके सेफ्टी नू लैके सरकारी नीतियां नू लैके टैक्सेशन नू लैके बहुत इनसिक्योरिटी है और पॉपुलेशन साड़ी वधदी जा रही है दिन ब दिन सो बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी होण करके ईवन 50 ईयरस तक के लोग 55 ईयरस तक के लोग कैनेडा जाना चाहते और हैरानी की गल यह है कि किसी यूनिवर्सिटी ना मेरी गल हो रही थी उन्होंने दसिया कि 55 ईयरस से भी उन्होंने को वीज़ा अप्रूव होया स्टूडेंट वीज़ा
ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਖੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਲਡਰ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ, ਬੈਂਕ 'ਚ ਸੇਲਸ ਮੈਨੇਜਰ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਹਿੱਟ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋਬਸ ਚਲੀ ਗਈਆਂ, ਬਟ ਦੇ ਹੈਵ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਬਟ ਨਾਓ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਅਪਲਾਈ ਫੋਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਫ ਕੈਨੇਡਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜੈਨੂਇਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਵੈਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬੈਂਡਸ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜੈਨੂਇਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਏਜ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਮੈਟਰ, ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਅਪਲਾਈ ਫੋਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਓ ਟੂ ਚੂਜ਼ ਅ ਕੰਸਲਟੈਂਟ। ਸੋ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਟੂ ਰਨ ਦਿਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਟੂ ਦਿਸ ਫੀਲਡ ਫਰੋਮ 14 ਈਅਰਸ, ਵੀ ਹੈਵ ਐਨ RCIC ਮੈਂਬਰਸ ਔਨ ਆਰ ਪੈਨਲ, ਨਾਟ ਵਨ, 3 RCIC ਮੈਂਬਰਸ ਔਨ ਆਰ ਪੈਨਲ ਵਰਕਿੰਗ ਫੋਰ ਅਸ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਿੰਗ ਆਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਿੰਗ ਆਰ ਟੀਮ ਕਿ ਵਾਟ ਆਰ ਦਾ ਨਿਊ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ, ਕੀ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟਸ ਹੈ, ਵੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਗਿਵ ਟੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਔਨ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਚੂਜ਼ ਯੂਅਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲੀ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਚੂਜ਼ ਯੂਅਰ ਕਾਲਜ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲੀ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਚੂਜ਼ ਯੂਅਰ ਕੋਰਸ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿ ਇਸ ਕੋਰਸ 'ਚ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਲਾਸਟ ਸਿਟੀ, ਸਿਟੀ ਵੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਮੀਤ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਆਸਪੈਕਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਜਸਮੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ 15 ਮਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੈਪ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਫਰੈਸ਼ਰਸ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ PR ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਪਟੰਬਰ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸੀ, ਆਈ ਵਿਲ ਟੈਲ ਯੂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵਲ ਸੀ ਮਈ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਪਰੂਵਲਸ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7-7 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ PPRs ਆਈਆਂ। ਸੋ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਸ 'ਤੇ 7-7 ਦਿਨ 'ਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਟੈਲ ਯੂ ਕਿ ਵੀ ਵਿਲ ਲੌਂਚ ਫਾਈਲਸ ਟਿਲ 31 ਜੁਲਾਈ, ਨੋ ਮੈਟਰ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਵੀ ਵਿਲ ਫੋਲੋ ਦਾ ਓਲਡ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ। ਦੇ ਆਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਿੰਗ ਟੂ ਲੌਂਚ ਯੂਅਰ ਫਾਈਲ ਟਿਲ 15th ਮੇ, ਓਕੇ, ਬਟ ਕਾਲਜਿਸ ਹੈਵਨਟ ਸਟਾਰਟਡ ਇਸ਼ੂਇੰਗ ਆਫਰ ਲੈਟਰਸ। 15 ਮਈ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਪਟੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਖੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਕਾਲਜਿਸ ਵਿਲ ਗਿਵ ਆਫਰ ਲੈਟਰਸ ਟਿਲ 30th ਜੂਨ, ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਲੌਂਚ ਯੂਅਰ ਫਾਈਲ ਟਿਲ 31 ਜੁਲਾਈ ਫੋਰ ਸਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਇਜ਼ ਓਪਨ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਗੋ ਹੈਡ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈ। January 22 ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਾਲਜਿਸ ਦਾ ਓਪਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਾਫੀ ਕਾਲਜਿਸ ਦਾ ਹਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਬਟ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਓਨੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਦੇਰ ਵਰ ਸਮ ਕੇਸਿਸ ਦੈਟ ਗੋਟ PPR ਇਨ 7 ਡੇਜ਼, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਸਟੋਨਿਸ਼ਿੰਗ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਦੇ ਵਰ ਲੱਕੀ ਐਂਡ ਹਾਓ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਕ, ਨੋਬਡੀ ਨੋਜ਼ ਦੈਟ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਇਜ਼ ਦੇਰ ਅ ਸੀਕੁਐਂਸ ਔਰ ਨੋਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ। ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਾਈਲ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਫਾਈਲ 'ਚ 7 ਦਿਨ 'ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਔਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਆਫ ਦ ਕੇਸਿਸ। ਸੋ ਗੋ ਹੈਡ, ਅਪਲਾਈ ਯੋਰ ਫਾਈਲਸ, ਲੌਂਚ ਯੋਰ ਫਾਈਲਸ ਬਿਫੋਰ 31 ਜੁਲਾਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਸਮੀਤ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। 90413-90412 'ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਕਰੋ, info@landmarkimmigration.com 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ।